आज मैं आपके साथ में गोभी के पराठे की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे, और साथ ही साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूँगी जिससे कि पराठे एकदम क्रिस्पी और फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, गोभी का एक फूल लिया और उसको अच्छे से इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, और फिर मैंने एक बर्तन में डाला 2 से 3 गिलास पानी, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी पाउडर ऐड, और अब मैंने इसमें डाली है कटी हुई गोभी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इधर मैंने गैस को ऑन करके जो गोभी डाली थी वो वाला बर्तन इस पर चढ़ा दिया है। आज हम बिल्कुल अलग तरीके से पराठे बना रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको ना तो गोभी को ग्रेट करने का झंझट है और ना ही कोई और प्रॉब्लम आएगी। बिना किसी झंझट के बिल्कुल एकदम फूले फूले और क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होंगे। हमारी गोभी जब तक बॉयल हो रही है तब तक हम कुछ बेसिक मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 हरी मिर्च लिए और 1 प्याज लिया है, उसको इस तरीके से मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लेना है। हमें इनको ग्रेट या फिर मिक्सी के ग्राइंड में बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना है, इसको इस तरीके से काटना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। बीच बीच में इधर गोभी को भी चेक करते रहना है, इनको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ऐसे हाथ से मैश हो जाए इतना ही हमें इस गोभी को पकाना है। तो आप एक बार इस पराठे की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपकी फैमिली मेम्बर बच्चों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये। तो ये देखिए, सारी गोभी अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हाथ से दबा के देख लेना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेना है हमें। प्लेट में निकालने के बाद में हम इसको एक बार और अच्छे से धो लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धोने के बाद में हम इसको एक प्लेट में निकाल के अच्छे से हाथ से इस तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप आलू मैशर से इसको मैश करना चाहो तो भी आप उससे मैश कर सकते हो, मैं इससे हाथ से मैश कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से पक चुकी थी तो हाथ से इजीली मैश हो जाएगी। अब मैंने इधर लिए कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो 1 चम्मच ऑयल डाल के। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच के करीबन जीरा और कुछ कटे हुए बेसिक मसाले जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, 5 से 7 कलियाँ लहसुन की जो मैंने इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट ली है, और 2 हरी मिर्ची और 1 प्याज काट लिया मैंने इस तरीके से बारीक। इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए जो हमारी मैश की हुई गोभी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है इसमें। अब मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करूँगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अमचूर पाउडर भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हो, मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 चम्मच लिया है। और खट्टा बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारे पराठे में थोड़ा सा खट्टापन हो तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हो, और इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि हमारे जो मसाले वो अच्छे से पक जाए। और धनिया के पत्ते डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देना है। अब हम बनाएंगे पराठे, हमारी स्टफिंग भी अच्छे से तैयार होकर ठंडी हो चुकी है। इधर मैंने एक छोटी सी लोई लेके नॉर्मल रोटी बेल ली है और उसके ऊपर मैंने 1 चम्मच के हिसाब से रख दिया है आलू का मसाला, और इस तरीके से इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। आप इसको ट्रेंगल शेप में बना सकते हो, मैंने इस यहाँ पर गोल शेप में बना रही हूँ एकदम रोटी के शेप में। स्टफिंग भरने के बाद में, इसको फोल्ड करने के बाद में हमें इस तरीके से हाथ से इसको हल्का हल्का दबा देना है ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो पराठे से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। और थोड़ा सा इसमें सूखा आटा डाल के अच्छे से इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। हमें पराठे बनाते वक्त ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, तभी हमारे पराठे एकदम क्रिस्पी एंड फूले फूले बन के तैयार होंगे। अच्छे से अल्टी पल्टी करके अच्छे से सेकना है, और इसमें आप घी या ऑयल जो भी आपकी मर्जी हो लगाना चाहो इस तरीके से आप इसमें लगा के अच्छे से इसको सेकना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और 3 से 4 मिनट लगेंगे, हमारा पराठा एकदम फूला फूला और क्रिस्पी बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल के बनके तैयार हुआ, बिल्कुल जला नहीं है, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली, और इतना टेस्टी पराठा बनके तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। सर्दियों में तो हम कई प्रकार के पराठे बना के खाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक बार आप मेरे कहने पे ये गोभी के पराठे इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, मुझे यकीन है आपके
बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये पसंद आएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स पराठे। इसमें बिल्कुल भी गोभी को ग्रेट करने का कोई झंझट नहीं है और इतने अच्छे से बन के तैयार होंगे कि इनकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। हमें बस थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों का फॉलो करना होगा। आप इन पराठों को दही या फिर ग्रीन चटनी या सॉस के साथ में भी इंजॉय कर सकते हो या बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी भेज सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।